भारत लौट आई हैं अंजू। जी हाँ, हम उसी अंजू की बात कर रहे हैं जो घर में जयपुर का कहेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई थी अपने बच्चों को भारत में छोड़ के। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंजू वापस भारत में आ गई है, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान छोड़कर वापस अंजू को भारत पर ही आना पड़ा। बता दें, पाकिस्तान जाकर अपनी प्रेमी से शादी रचाने वाली अंजू एक बार फिर सुर्खियों में छा गई है। राजस्थान की रहने वाली अंजू कई महीनों बाद पाकिस्तान से भारत वापस लौट आई है। अंजू के वापस लौटने के बाद भारतीय जांच एजेंसी आईबी और पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने अंजू से लंबी पूछताछ की। इस दौरान अंजू ने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए भारत आई है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अपनी प्रेमी से शादी करने के लिए पहले उसने अपना धर्म बदला और फिर अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी रचाई। आपको बता दें कि अंजू तो पहले सबको झांसा देती रही कि वो अपने केवल दोस्त से मिलने पाकिस्तान गई है। उनका दोस्त भी चालू निकला, वो भी सबको झांसा देता रहा कि ये तो केवल मेरी दोस्त है और अलग कमरे में सोती है, हम दोनों शादी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई थी कि दोनों ने निकाह कर लिया है। उसके बाद अब नसरुल्लाह का बयान भी सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि अंजू भारत आ गई हैं और जो उनके भारत वाले पति हैं उन्होंने तो अंजू को स्वीकार करने से अब बिल्कुल मना कर दिया है। तो सवाल यह है कि अब अंजू जाएगी कहाँ? अंजू ने एजेंसी को बताया कि उसके पास अपनी शादी से जुड़े हुए कोई भी दस्तावेज नहीं थे। फेसबुक के जरिए नसरुल्लाह से मुलाकात हुई थी और बातचीत शुरू हुई थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तब नसरुल्लाह से शादी करने की ठान ली थी अंजू ने और पाकिस्तान चली गई थी। अंजू ने एजेंसियों से पूछताछ में कहा कि पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ किसी तरह का उसका कोई भी संबंध नहीं है। अंजू ने कहा कि अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाने की कोशिश करना चाहती हैं अंजू। जी हाँ, जो अपने बच्चों को जयपुर में रोता हुआ छोड़ गई थी वही अब अंजू चाहती है कि उसके बच्चे पाकिस्तान में उसके साथ रहने लगे और पहला पति उसे तलाक दे दे। देखते हैं ये बात कितनी सच होती है, लेकिन फिलहाल अंजू का यही मानना है कि वो अपने बच्चों के लिए भारत आई है। भारत लौटने से पहले पाकिस्तान में अंजू ने बयान देते हुए कहा था कि आज मेरा पाकिस्तान में आखिरी दिन है, अब तक मेरा सफ़र अच्छा रहा, यहाँ लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। वहीं भारत लौटने पर अंजू ने कहा, भारत आके मैं बहुत खुश हूँ। वहीं अंजू के पिता के पड़ोसी ने कहा कि हमें आज जानकारी हुई है कि अंजू पाकिस्तान से भारत वापस आ गई हैं। अगर ये लोग अपनी लड़की को बुलाएंगे तो हम तो गांव नहीं आएंगे भाई। गौरतलब है कि करीब 6 महीने पहले अंजू पाकिस्तान पहुंच गई थी भारत में अपने बच्चे और अपने पति को छोड़कर। कह के गई थी जयपुर जा रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा कब पहुंच गई किसी को मालूम नहीं हुआ। जुलाई के महीने में अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गई। इस दौरान अंजू के दूसरे पति नसरुल्लाह ने उनसे शादी रचा ली। अंजू 20 अगस्त को भारत लौट जाएंगी, उनका वीजा समाप्त हो जाएगा, ये बातें भी पहले कही जा रही थी। इस बीच अंजू और नसरुल्लाह ने शादी कर ली और अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। अंजू को वहां पर दौलत शौहरत जेवर से लेकर जमीन जायदाद हर चीज मिली, लेकिन फिर भी वो भारत क्यों लौट आई ये बड़ा सवाल है। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंजू की वापसी को लेकर आपकी क्या राय है, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़बुक।